इसका उद्देश्य केवल इतना ही है, यज्ञ में जो हम औषधियां डालते हैं, सामग्री वातिष्ठि पित्तिष्ठि कफिष्ठि, अलग अलग आपको जो सामग्रियां हैं जो यहाँ से हम उपलब्ध कराते हैं, यह हम कहते हैं कि पहले यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करो, उसमें आहुतियाँ दो और फिर उसमें घी गाय का और गुगल ये सबको उपलब्ध कराते हैं। वातिष्ठि पित्तेष्टि कफेष्टि अपने अपने रोग के अनुसार आपको सामग्री देते हैं। और मैंने ये देखा है यहाँ पर जिनको मस्तिष्क रोग है उनको मेधाइष्टि से यज्ञ करने पर, जिनको शुगर है उनको मधुइष्टि से हवन करने पर, जिनको वात रोग है जोड़ों में दर्द है वातिष्टि से अग्निहोत्र करने पर, होम करने पर, यज्ञ और योग दोनों एक दूसरे के साथ अत्यंत गहरे संबद्ध है। वातिष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि जिनको संतान नहीं होती, संततिष्टि संतति कामो पुत्र कामो यजेता, ऐसे शास्त्र का विधान भी है और ये विज्ञान भी है।